शहर में वर्ष 2001 से 1900 एवं 572 लेआउट के नाम पर गुंडीवारी कानून के तहत नियमितीकरण आरंभ है। जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार ने आरोप लगाया है कि इसके तहत नागपुर सुधार प्रन्यास के अधिकारियों की मिलीभगत से 75,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पवार ने कहा कि कई लेआउट में कोई भी अनाधिकृत निर्माण नहीं हुआ है, इसके बावजूद बैंक डेट का स्टैंप पेपर पर जमीन मालिक एवं भूखंड धारक का बोगस करार दर्शाकर भूखंड रिलीज किए गए हैं। इसके लिए कई भूखंड अपने अथवा रिश्तेदारों के नाम पर किए गए हैं। नतीजतन शहर के 1,00,000 खाली भूखंडों में से 20,000 बेनामी है। पवार ने आरोप लगाया कि यह भूखंड नासुपुरा के अधिकारी कर्मियों के है, जिनकी कीमत 75,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने 2001 से आरंभ गुंठीवारी योजना की संपत्ति का ऑडिट कर दस्तावेजों की पुनः जांच कराने की मांग की। उन्होंने मनपा से बेनामी भूखंडों पर कर लगाने एवं कर नहीं देने पर उन्हें नीलाम करने की मांग की। पवार ने नासुपुरा के अधिकारी एवं कर्मियों के साथ साथ उनके रिश्तेदारों की संपत्ति का ऑडिट करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस की जांच होनी चाहिए। बेनामी भूखंड को गैर कानूनी घोषित कर उन्हें जब्त करने की मांग भी उन्होंने की। त्याच्यात इन्वॉल्व आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही, घोटाळे काढण्यामध्ये। आता त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी काय लफडा केला काय नाही केला ते त्यांनाच माहीत आहे, पण आमच्याजवळ जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते सगळे डॉक्युमेंट्स आम्ही RTI घेतलेले आहेत, आणि काही लोकांनी आम्हाला पोस्टाद्वारे पाठवलेले डॉक्युमेंट्स आहेत। त्याच्यामुळे आमचा हे जे कोण दोन कर्मचारी हे झालेले आहे, म्हणजे त्यांना अटक करून सुटका झाली वगैरे, आम्ही याच्याबद्दल काही माहिती घेतली। आम्हाला असं कळलं की त्यांच्यावर 60B असं काहीतरी एक कलम लावलेली आहे, जी सायबर जी नॉन बेलेबल। पण मला वाटते आपण ज्या प्रेस घेऊन राहिलो याच्यात कुठं सायबरचा असा काही रोल आला नाही, कारण कागदी रोल आहे हा। हे सगळं कागदावरच आम्ही मांडतो, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आजपर्यंत आम्हाला जिथनं RTI मिळालं, आजची जी प्रेस आहे ते सुद्धा RTI मधलीच आहे, तर ते डॉक्युमेंट्स आम्ही समोर ठेवून प्रत्येक वेळेला प्रसार माध्यमाच्या समोर आलेलो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।